आरोपी चौटाला की सजा पर बहस पूरी हो गई है। राउंड रेवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के वकील ने दलील दी है, मुख्यमंत्री रही हैं, ऐसे में सजा संदेश के तौर पर होनी चाहिए। वहीं ओपी चौटाला के वकील ने कोर्ट में ओपी चौटाला की उम्र और दिवंगता को देखते हुए कम सजा की अपील की है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं किसने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं। अगर राउंड रेवेन्यू कोर्ट चौटाला को कल सजा, हर्ष कुमार शर्मा ओम प्रकाश चौटाला के वकील की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया है 87 साल की उम्र है, बचपन से बीमार है, दिवंगता बढ़ती जा रही है, 60% से 90% हो गई है। वहीं विकास जुल स्पेशल जज की तरफ से कहा गया कि आपके पास 90% दिव्यंगता का सर्टिफिकेट है। ये स्पेशल जज की तरफ से सवाल किया गया तो हर्ष कुमार शर्मा ओम प्रकाश चौटाला के वकील की तरफ से कहा गया कि नहीं, 60% दिव्यंगता का है लेकिन दिव्यंगता बढ़कर 90% हो गई है, अस्थमा है, लंग्स में इन्फेक्शन भी है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर दिव्यांग आरोपी को कोर्ट मानवता के आधार पर कम सजा देने पर विचार कर सकता है। जितने समय तक चौटाला जेल में रही है, सजा सुनाते वक्त उसे भी कंसिडर किया जाए। ये कपड़े भी खुद नहीं पहन सकते, दूसरे की सहायता के बिना वो चल नहीं सकते, जांच में हमेशा सहयोग किया है, उम्र और दिव्यंगता को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने जेल में 10वीं और 12वीं भी की है। तो ये ओम प्रकाश चौटाला के वकील का बयान था, जिस पर अब अजय गुप्ता सीबीआई के वकील ने कहा कि इस समय इस मामले में कम से कम सजा देने से आम लोगों के बीच गलत संदेश जाएगा। ये पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, इनकी सजा एक संदेश के तौर पर ली जाएगी। इनका कहना है कि ट्रायल बहुत लंबे चला है, लंबा ट्रायल चलने की वजह से इन्होंने सफर किया। जितने भी पुराने फैसलों का हवाला चौटाला के वकील ने दिया वो सभी ऐसे लोगों का है जिनका परिवार उन पर निर्भर था, लेकिन चौटाला 87 साल के हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है, उनका परिवार इनके पर निर्भर नहीं है। लीडर हैं, आपके हर आदेश को लोग मानते हैं, अगर लीडर ही एक इस प्रकार के भ्रष्टाचार करेंगे तो समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कोर्ट के इस मामले में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतनी चाहिए, कानून बताने वाले ही अगर अपराध करेंगे तो उसका जनता पर क्या असर होगा। चौटाला को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए और अधिकतम आर्थिक जुर्माना भी लगाना चाहिए। ट्रायल के दौरान यंग एज से ओल्ड एज में आने पर आरोपी को कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता है। तो ये सीबीआई के वकील अजय गुप्ता की तरफ से दलील दी गई आज राउंड रेवेन्यू कोर्ट में। अब कल चौटाला पर सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। सीबीआई के वकील अजय गुप्ता से बात की हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा ने। हमारे साथ अजय गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, आज कोर्ट में क्या कुछ चर्चा रही सुनवाई के दौरान, अगर बात करें सुनवाई के दौरान यही इसी बात के ऊपर चर्चा रही, उनकी सिर्फ एक ही प्ली थी कि जो जेबीटी केस के अंदर उनको सजा हुई वो सजा उस काट इस सजा के संग मिल जाए, लेकिन हमारी ने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देते हुए बता दिया दोनों सजाएं अलग चलेंगे। लेकिन यह एक और बात है, उन्होंने बार बार कही कि उनकी दिव्यांगता का ध्यान रखा जाए, उम्र का ध्यान रखा जाए, उस बात को भी हमने कोर्ट के अंदर क्रिटिसाइज कर करके बता दिया कि इस कानून में जब इस बात का कोई प्रावधान नहीं है कि दिव्यांगता का या एज फैक्टर का, तो उसका बेनिफिट कैसे मिल सकता है। फिलहाल रिजर्व रखा गया कल, फिलहाल कल 2 बजे के लिए रिजर्व रखा है, कल 2 बजे अदालत ने सारी बहस सुनने के बाद इसका फैसला। एक प्रश्न फिर वही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जेबीटी भर्ती मामले में उन्होंने जो कस्टडी उनकी सजा थी ये कस्टडी भी पैरेलल मानी जाए, ऐसी अपील उन्होंने आज करी, उन्होंने करी थी, उसके बदले में हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखा दिया गया, वो सजा बराबर नहीं चलेगी, वो सजा अलग रहेगी, ये सजा अलग रहेगी। सामान्यतः जो धाराएं हैं कितनी सजा होती है इसके अंदर, जो मैक्सिमम 7 साल मिनिमम 1 साल, हमने उसके अलावा एक कोर्ट के ये भी रिक्वेस्ट करी है कि जो उनकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो सब अटैच कर दी जाए। तो अजय गुप्ता हैं जो कि सीबीआई के वकील हैं, इनका कहना है कि दोनों सजाएं साथ नहीं मानी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा आदेश भी रखे गए हैं हालांकि अधिक से अधिक सजा दी जाए। इनका कहना है कि एक उदाहरण के तौर पे क्योंकि वो एक मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और एक लीडर है, तो ऐसे में एक संदेश जाता है, तो इसको लेकर अधिक से अधिक सजा देने की बात इन्होंने रखी है। फिलहाल कल 2 बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया है। दिल्ली से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। वहीं ओपी चौटाला के वकील हर्ष कुमार से भी इंडिया न्यूज हरियाणा ने बातचीत की। हमारे साथ हैं हर्ष कुमार शर्मा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं ओम प्रकाश चौटाला के वकील थे। सर आज क्या रहा कोर्ट में, हालांकि बताया जा रहा है कल 2 बजे फैसला होगा। आज कोर्ट ने हमारे पार्ट पर और सीबीआई के पार्ट पर क्वांटम सेंटेंस के ऊपर बहस सुनी जो 235(2) के अंदर प्रोविजन के अंदर आता है। हमारा ये स्टैंड था कि ये केस एक सब्जेक्टिव ओपिनियन वाला केस है और मेरा एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, इसलिए आपने मेरे को सजा दोषी मारा। बट मेरी उम्र देखिए, 87 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, 90% डिसेबल हूँ मैं चल फिर नहीं सकता, मेरा कंडक्ट कोर्ट के अंदर एग्जाम्पलरी है, 2010 से लेके आज तक मैंने कभी कोर्ट ऐसा डे नहीं आया जहाँ मैं या मेरा वकील अपीयर ना हुआ हो, हमने कोई डिले नहीं करा है। ये सब कंसिडरेशन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सेंटेंस को कम कराने के लिए बहुत जरूरी है और कोर्ट को कंसिडर करनी चाहिए, कि हमने दिए हैं कंटेंशन,
यहाँ पर एक बात की गई कि आपने जो 87 वर्ष की बात करी, 90% की बात करी दिवंगता की, सीबीआई की तरफ से कहा गया कि उस समय का ध्यान रखा जाए 1999 से 2000 से जब ये जब तक का ये पूरी चार्जशीट थी जिस दौरान का यानी कि ये मामला बना है, उस समय की उम्र और उस समय दिवंगता कम थी, ये बात लिखी गई। उन्होंने कहा जरूर था पर उसका आंसर यही था कि आपने तब इन्वेस्टिगेट करा 6 से लेकर 2010, 4 साल आपने मेरे को मेंटल ट्रॉमा में रखा जब आपने इन्वेस्टिगेशन करा, क्योंकि लीडर होने के कारण एक डिसएडवांटेज है कि मेरे खिलाफ कोई भी छींटा लगेगा तो मेरी रेपुटेशन पे, मेरी इज्जत पे बहुत फर्क पड़ता है। तो हमारा इसका आंसर ये था कि आपने 2006 से लेके 2022 तक जो भी कुछ करा मेरी छवि को तो धूमिल कर ही दिया ना, तो मैं तो अब उस वैसा नहीं रहा जैसा मैं 2006 में था, तो ये मेरी रेपुटेशन को खराब करने के लिए करा गया है और इस केस में कुछ नहीं है। एक बात और जानना चाहेंगे, यहाँ ये कहा गया आप कि उन्होंने जेबीटी भर्ती घोटाले मामले में 10 वर्ष की सजा काट चुके हैं और आपने बात रखी थी कि उसको भी इसमें माना जाए जो इसमें जो कस्टडी रही है, लेकिन कोर्ट उससे कुछ सहमत नजर नहीं। हाँ, ये मैं कंसीड करता हूँ कि कोर्ट का ये मानता है कि जितने पीरियड मैंने बेल बॉन्ड अपने विड्रॉ कर रखे वो करीब 2 साल 4 महीने के आसपास है। कोर्ट का ये मैं कहना था ऑब्जर्वेशन थी कि मैं 2 साल 4 महीने का तो शायद मैं आपको बेनिफिट दे सकता हूँ, पूरे 10 साल का नहीं दूंगा, बट ये एक लीगल इशू है, इस कोर्ट में डिसाइड होगा या अगली कोर्ट में डिसाइड होगा। एक बात जरूर अंत में पूछना चाहूंगा, कितनी सजा इसमें हो सकती है अंदाजा, समानता बात करें तो समानता 1 साल से लेकर 7 साल के बीच में कुछ भी सजा हो सकती है, हम प्रे कर रहे हैं कम से कम हो 1 साल हो, तो कम से कम हो 1 साल हो ये इनका कहना है। हालांकि इसको लेकर के आज लगातार एक तरफ ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से हर्ष कुमार थे तो वहीं सीबीआई की तरफ से अजय गुप्ता थे, तमाम दलीलें रखी गई हैं, लेकिन इस बीच कल दोपहर 2 बजे तक फैसला सुरक्षित है। कल दोपहर 2 बजे अगर बात की जाए सीबीआई की विशेष अदालत में अगर बात की जाए फैसला जो है वो सुनाया जाएगा ओम प्रकाश चौटाला पर। दिल्ली से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 25 बड़ी खबरें।